सब ठीक ठाक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरियन मूवी स्मगलर्स की, जिसको प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया। भाई मूवी 2023 में रिलीज हुई थी, एक क्राइम ड्रामा मूवी है। तो क्या ये फोकस करती है 1970 में, जहाँ पर हमें 6 औरतें देखने को मिलती हैं, जो कि भाई मछली का पकड़ने का काम करती हैं, जो कि गोताखोर हैं। होता है उस गाँव में कुछ फैक्ट्रियाँ बनने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका ये काम बंद हो जाता है। तो इसके बाद भाई वो पानी में स्मगलिंग का काम शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद खान में क्या कुछ होगा, उसी चीज़ को जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। मूवी पर तकरीबन 2 घंटे से ऊपर टाइम देना पड़ता है। अगर मैं इस मूवी की अच्छी चीज़ों की बात करूं, तो इस मूवी में 2-3 एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, जो कि ठीक ठाक लगेंगे। मूवी की जो कि एंडिंग देखने को मिलती है, वो गुजारा कर जाती है, लेकिन उससे पहले ये मूवी तुम्हारा बहुत कुछ काट लेती है। यानी कि मूवी में जो कि शुरुआत है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और किधर भी ये मूवी तुम्हें कनेक्ट नहीं करती। यानी कि मूवी का ड्रामा बहुत ही ज़्यादा डाला गया, जो कि एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो भी बस ठीक ठाक लेवल का है। और कहीं कहीं पर जो कि एडिटिंग है वो बहुत ही बुरी है, यानी कि जो कि VFX यूज़ किए गए हैं, कहीं पर आपको ग्रीन स्क्रीन दिख रही होती है, तो वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसका जो कि भाई पहला घंटा है वो तो आपको पकाने में कामयाब हो जाता है, आपका किधर भी कनेक्ट नहीं होगा। मेरे को इस मूवी ने बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं किया, और मैं जो इन्होंने 97 का दौर क्रिएट करने की कोशिश की है, तो वो भी बिल्कुल वो वाली फीलिंग नहीं आती। तो मैं तुम्हें इतना ही बोलूँगा, प्रो ऑडियंस हो तो ये मूवी तुम्हारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो अपना कीमती टाइम इस मूवी पर मत देना। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से 2.5 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं पर खत्म। चैनल बनाए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।